क्या चल रहा है? मजाक कर रहे क्या? आप लोग पुलिस है ना, ऐसे बर्ताव करते हैं कोई औरत के साथ? अरे क्या कर रहे आप लोग? छोड़िए उसे। पागल हो गए क्या तुम लोग? हटो, ले जाओ इसको। चांस से जाओगे। तुम लोग ऐसा कोई मजाक करता है क्या? हाँ उतरो भाग, गाड़ी से उतरो। कबीर बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। जानती हो ना हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को लाना जरूरी है। जरूरी है कबीर, बच्चे जितना हमारे साथ रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। बच्चों को यहाँ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। खतरे से? बच्चों को कौन क्या करेगा? किसी की इतनी जरूरत नहीं, हम हैं। कबीर फिलहाल यहाँ से चलो, हम रास्ते में तुम्हें सारी बात बताते हैं। चलो चलो। कैसे भाग गए? तो पता नहीं, कमरे में नहीं है। एक काम कहा था तुमसे, तुम उसमें भी नाकाम हो गई। हमें लगता है हमें इस नाकामी के वजह से। चुप! क्या कर रहे हो? अब हमारी बहन मर जाएगी। अब छोड़िए, अब छोड़िए। घर वाले बच्चों के जरिए तुम्हें नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए। आज सुबह जब हम अलीशा को स्कूल पिकनिक के लिए बस में रवाना करके वापस लौटे तो जैद और फिरदौस अपने कमरे में नहीं थे। क्यों? बच्चों तुम लोग कहाँ थे? दादा जान ने कहा कि हमें जल्दी से तैयार होके कहीं जाना है। पर क्यों? कह रहे थे कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं और जाके रहना है। कितना परेशान हो गए थे बच्चों के लिए, पूरे घर में इनको ढूंढा कहीं नहीं मिले। फिर स्टोर रूम से इनकी आवाज आई जहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता है। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि कबीर की जान उन बच्चों में बसती है। वो बच्चे हमसे छिन गए। हम उन बच्चों का इस्तेमाल करना चाहते थे, उन बच्चों को कबीर से दूर भेज देते ताकि कबीर उन बच्चों को ढूंढने में मशरूफ हो जाता और हमारे ऊपर से उसका ध्यान हट जाता। लेकिन तुमने हमारे पूरे प्लान में पानी फेर दिया। तुम्हारी वजह से जारा के हाथ में हमारे खिलाफ सबूत लग गए। तुम्हारी वजह से वो बच्चे छिन गए। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास एक तकिया है। अबू आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। कबीर आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा, वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आप हमारी बहन को छोड़। बच्चों को बताया कि कुछ दिनों के लिए इन्हें काजी साहब के यहाँ रहना पड़ेगा? हाँ बताया ना हमने बच्चों को। और बच्चों जब तक आप वहां रहोगे ना, आप नानू नानी को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। ओके कबीर चाचा, आप भी हमारे साथ नानू के घर चल रहे हो ना? नहीं सर, नहीं, असल में हमें बहुत जरूरी काम है, इस वजह से हम नहीं आ सकते तुम्हारे साथ। लेकिन सुनो, जारा भी है ना तुम्हारे साथ, तो जारा भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। पहले आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप रोज हमसे मिलने आएंगे। हाँ प्रॉमिस कीजिए ना कबीर चाचू, वरना आप जाने ही नहीं वाले। प्लीज कबीर चाचू।
दोनों जानते हो अब तुम लोग के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। थे कोई अपने जो नाटक कर रहे थे लेकिन अब वो भी नहीं, और तुम लोग से दूर रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम आएंगे मिलने रोज, हम वादा करते तुमसे। प्लान अच्छा है बच्चों, लेकिन ये अबू के बस की बात नहीं है। अबू बस गुस्से में आकर एक लड़की का गला दबा सकते हैं और कुछ नहीं। अपने बेटे को ये एक 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 कांटा चुभते नहीं देख सकते। अबू कबीर के साथ ये कर ही नहीं सकते हम बच्चों। हम कह रहे हैं आपसे इनसे नहीं होगा। हम जानते हैं रुसा, मगर पुलिस कंप्लेंट से बचने का बस हमारे पास यही रास्ता है। ये सब करके अबू को बहुत तकलीफ होगी, मगर अगर अबू ऐसा कर देंगे तो फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम आपकी बात समझ रहे हैं बच्चो, लेकिन यहाँ बात सांप की नहीं, अबू के चहेते बेटे कबीर की है। अगर अबू अपनी जान बचाने के लिए कबीर के साथ ये कर जाए तो कहना ही का, लेकिन अबू से ये नहीं हो पाएगा। फिर अबू को कोई नहीं बचा सकता रुखसा, हम बस इंतजार करते हैं, कबीर पुलिस को लेकर आता ही होगा। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अबू के हाथ में। कल रात पता नहीं क्या इन पर पागलपन सवार हो चुका था। नहीं छोड़ूंगी शहबाज को आज। बेगम रुक जाइए। ओह, बेगम। आपको हमारी जान की कसम खानी होगी, आप ऐसा नहीं करेंगी। चाहे से पर आपके जज्बात, गुस्सा, आपका गम, किसी को खोने के बाद एक इंसान क्या क्या कर बैठता है हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगी ना। आप कानून को अपने हाथ में लेकर सजा की हकदार बनना चाहती हैं, और ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। हम एक माँ खो चुके हैं, दूसरी माँ खोने की ताकत हमें नहीं है खाला जान। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। आपको पता है आज हम कहां जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। शहबाज अहमद के खिलाफ हम कंप्लेन लिखने जा रहे हैं। जी और हम आप दोनों से वादा करते कि जब तक हम जारा के कातिल को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देंगे हम चैन से नहीं बैठने पाते। इसलिए हमें आपकी और काजी साहब आपके दुआओं की जरूरत होगी। इस माँ के हर दर्द आपके लिए दुआ बन जाएगी कबीर। हमने जज्बात में आके आपका दिल दुखाया ना कबीर मियां, आपको बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं माफ कर, नहीं काला जान, नहीं। एक बेटी खो चुके हैं हम, अब एक बेटा नहीं खो सकते, नहीं खो सकते। अल्लाह आपको आपको कामयाबी दे और आप सलामत रहे। हम
हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। शुक्रिया। हो सकता है ये लड़ाई लंबी जाए काजी साहब, तब तक बच्चे अगर आपके पास रहेंगे तो हमें अच्छा लगे, महफूज रहेंगे यहाँ। आप रत्ती भर भी बच्चों की फिक्र मत कीजिए कबीर मियां, बच्चे यहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे। शुक्रिया। साहब आप हमें बताएंगे कि आप ये कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कर रहे, ये एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे, बोलिए ना हमें। दो घंटे हो गए आप तब से कह रहे कि एसएसपी साहब आने वाले, तब आप जाके ये एफआईआर दर्ज करेंगे, आप अभी क्यों नहीं लिख सकते? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, आप क्यों नहीं लिख रहे एफआईआर? देखिए हम ये कंप्लेन नहीं लिख सकते। अभी एसएसपी साहब का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में आपसे खुद आकर बात करें, और जब तक वो नहीं आते तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। नहीं एक सेकंड, आगे नहीं। कि एसएसपी साहब आएंगे कब, हम कब से इंतजार कर रहे हैं? फिर बस आते होंगे, आप बैठे ना और चाय की चुस्की लीजिए। चाय की? ये फाइल नहीं, हमारा फ्यूचर है शहबाज साहब। इस पर अगर मिनिस्टर की सिफारिश का ठप्पा लग जाए ना तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिफारिश भी मिल जाएगी और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आप बस हमारा काम कर दीजिए। समझ लीजिए आपका काम हो गया। सर, इंस्पेक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं। सर हम कब से यहाँ पर बैठे हैं, आप कम से कम हमें बेवकूफ तो मत समझिए ना। देखिए आप हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो हम आपके सीनियर ऑफिसर के पास जाएंगे और उनसे आपकी भी शिकायत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको जहाँ जाना ना वहाँ जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा तमीज से बात कीजिए और आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, समझे ना, हम आपके नौकर नहीं है। और जिस शख्स पर आप इल्जाम लगा रही है ना, उन पे केस तो बहुत दूर की बात है, उन पे आज तक एक ट्रैफिक का चालान तक नहीं कटा है, और आप उसे ये कह रही हैं कि मैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखूं कत्ल के जुर्म में। सर हम आपसे तमीज से ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपसे कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। अब रजिया सुल्तान बनने की कोशिश ना करिए मोहतरमा, आपके बहस करने से हम डर के मान नहीं जाएंगे। अब हो कौन, वो काट में लगे। समझ नहीं आ रहा है, चलो आप आराम से। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मजाक कर रहे क्या? आप लोग पुलिस है ना, ऐसे बर्ताव करते हैं कोई औरत के साथ आप पुलिस वाले? हमें बताइए आप ये क्यों नहीं दर्ज कर रहे, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे? अरे क्या है, क्या है ये भाई, हटो। ये क्या कर रहे हो, हाथ क्यों पकड़ो मेरा, पागल हो गए क्या तुम लोग, हटो ले जाओ इसको। छोड़ छोड़िए उन्हें, अरे कबीर।
कबीर से बहुत प्यार करते हैं। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अगर कबीर अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है तो हम भी इस जंग को जीतने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। कोई भी कुर्बानी। कशान, इस केस के सिलसिले में तुम्हें दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता मिल गया, तुम वापस आ जाओ। ठीक से पकड़ो, बहुत बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। साहब, हम आपको कह रहे हैं, ये आदमी आपको गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हम आपको बताते हैं हकीकत क्या है। इस आदमी ने हमारी हमारी बेगम का कत्ल किया है। एसएसपी साहब, हम आपको अदालत में भी साबित कर। एसएसपी साहब, देख रहे हैं हमारी बेटी की क्या हालत हो गई। दरअसल इसके बेगम के मर जाने के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बहुत बुरा असर पड़ा है इस पर, आप देख सकते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि दो दिन पहले तक जो इंसान हमारे लिए कैंपेनिंग कर रहा था, गांव गांव जाकर हमारे लिए वोट मांग रहा था, अचानक कहने लगा कि उसकी बेगम की मौत के जिम्मेदार हम हैं। मरने मारने की बातें कर रहा है, मरने मारने की। कभी बोलता है कि हमें मार देगा, कभी बोलता है कि अपने आप को मार देगा और अपने मरहूम बीवी के पास चला जाएगा। हमने कितना समझाया इसे कि ये गैर कानूनी है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अब यकीन मानेंगे, एक साल तो हमने इसे बाबा गैबन छा के दरगाह में रखा, जहां मुल्क भर के दिमागी मरीज शिफा पाते। सोचा कुछ तो असर होगा उसका उस पर। लगा कुछ हद तक ठीक हो रहा है, लेकिन फिर से कुछ दिनों से साहब, हम साबित करके दिखाएंगे आपको कि ये आदमी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कबीर सही कह रहा है सर। सर, हमारे पास सारे सबूत हैं। एक बार आप वो सारे सबूत देख लीजिए, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। शहबाज अहमद की गोली चलाते हुए तस्वीरें हैं हमारे पास। वो कपड़े हैं, वो खून के दाग वाले कपड़े, और वो बंदूक जिससे इन्होंने जारा का कत्ल किया था। और तो और, जारा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक है हमारे पास। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, उलझुल बातें कर रही है लड़की। इस लड़की को कुछ नहीं पता, ये गुमराह कर रही है पुलिस को। आप हमारी बात मानिए, आप इसको यहां से लेके जाइए।
हम सच कह रहे हैं, एक बार हमारी बात पे विश्वास करके तो देखिए, हम सारे सबूत आपके पास लाके रख सकते हैं। और एसएसपी साहब, एक मौका दीजिए, आपके सामने हम सबूत पेश कर देंगे।